करीब 55 दिन से फरार संदेश खाली के आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को एक हफ्ते में दूसरी बार कड़ी फटकार लगाई है और शाहजहां शेख को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है। इससे पहले 20 फरवरी को माननीय हाईकोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि ममता सरकार आरोपी को बचाने की कोशिश ना करें और शाहजहां शेख को तत्काल गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद ममता सरकार शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने के बजाय खुद उसको बचाने में लगी है। वहीं 25 फरवरी को ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने पूरी बेशर्मी के साथ इस पूरे मामले में हाईकोर्ट को ही दोषी ठहराते हुए कहा कि कोर्ट शाहजहां शेख को बचा रहा है। कोर्ट ने शाहजहां पर कार्रवाई करने पर रोक लगा रखी है, जिस पर एक बार फिर हाईकोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई स्टे नहीं है, उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। कोर्ट से लगातार पड़ रही फटकार के बावजूद ममता सरकार की पश्चिम बंगाल पुलिस करीब 55 दिन से फरार शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने की बजाय ग्रामीणों को धमकाने, पत्रकारों को गिरफ्तार करने, स्थानीय महिलाओं को बाहरी बताने में लगी हुई है। यहां तक कि ममता सरकार संदेश खाली के सच को छिपाने और अपराधियों को बचाने के लिए संदेश खाली पहुंची फैक्ट फाइंडिंग टीम को भी पीड़िताओं से मिलने से रोक रही है, उनको गिरफ्तार कर रही है। 10 दिन या 15 दिन से पूरा देश देख रहे हैं ना यहाँ क्या हाल है। जो कल्प्रिट है वो बाहर फिर रहे, जो विक्टिम है उसके ऊपर दबाव है, जो हम जैसे लोग और प्रेस वाले वो जो करने जा रहे उसको जाने नहीं दे रहे, यहाँ तक कि अरेस्ट भी कर रहे हैं। टीएमसी सरकार को इस दमनकारी राजनीति और जंगल राज का जवाब पश्चिम बंगाल की महिलाएं जरूर देंगी। ममता बनर्जी और शाहजहां शेख के इस गठजोड़ को पश्चिम बंगाल की महिलाएं हमेशा याद रखेंगी।